जैसा कि मुझे बहुत मन लगता है, तो आज मैं फिर से न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस ब्लॉग में कुछ स्पेशल तो नहीं है, बट हाँ आप स्पेशल भी कह सकते हैं, क्योंकि सोलिया खुखरी जो हमारे शहर मिलता है, मशरूम बोलते हैं उसको, तो आज मैं स्पेशली उसे बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, साथ ही साथ अपने भी पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है और ये होता क्या है। सभी जगहों पर नहीं मिलता, स्पेशली हमारे जगह पर ही मिलता है जहाँ हम रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बताऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। और ये इसमें एक बना रही हूँ, इसके साथ साथ और भी कुछ बना रही हूँ। मैं दाल बना रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मेरी दाल पक चुकी है। और ये दाल सिर्फ मेरे लिए, ये जो मशरूम बना रहा हूँ वो मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आगे मैं बताऊँगी कि मैं मशरूम बना रही हूँ, फिर मशरूम के साथ दाल कोई नहीं खाता, लेकिन दाल भी मैं क्यों बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा सुबह सुबह मुझे कुछ खाते पीते रहना है ऐसे टाइम में। सब्जी बनाने का रेसिपी जो बहुत अद्भुत होने वाला है आप सबके साथ में। तो ये है सूर्या खुखरी, जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी बालू लगा हुआ रहता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी भी लगता है और महंगा तो बहुत आता है बाप रे, लेकिन फिर भी इतना टेस्ट रहता है ना इसमें कि सारे इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। और आप देख सकते हो इसका ये शेप होता है, और अपने मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा होगा, बट ये सारे जगहों पे नहीं मिलता। हम जहाँ से हैं वहाँ पे ये बहुत मिलता है, लेकिन बहुत मिलने से नहीं हो जाता, ये फिर भी महंगा मिलता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और बालू ये सब लगा हुआ रहता है ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा पानी में हमें साफ़ करना पड़ता है, और एक एक को ले करके बहुत मेहनत करते हुए इसे हम क्लीन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिर भी इसे ना बहुत मेहनत से साफ़ किया जाता है, एक एक मतलब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बालू लगा हुआ रहता है ना, बालू मतलब रेत लगी हुई रहती है। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और रही बात जो मैं दाल का बता रही थी ना कि मैं दाल बनाई हूँ, दाल नहीं खाते हैं लोग मशरूम के साथ, इसलिए कि मैं अभी प्रेगनेंसी पीरियड्स में हूँ, आप देख सकते हो, मुझे देख करके पता चल ही रहा होगा। तो अभी ना मुझे सारी चीज़ें नहीं पचती, जैसे मसाला वाली चीज़ मैं नहीं खा पाती, ये क्या बोलते हैं ये जितनी भी गर्म मसाला हो गया ये सब चीज़ें, तो मुझे नहीं पचता। इस वजह से मैंने ना अपने लिए दाल बनाया है और ये कूचा अभी बनाऊंगी, इसके बाद मैं आगे देख सकोगे आप, तो इसलिए मैंने दाल बनाया था। और ये सिर्फ मेरे हस्बैंड जी के लिए है, तो मैं धीरे 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 करके साफ़ कर ले रही हूँ, साथ ही मैं ब्लॉग भी शूट कर ली कि चलो लगे हाथ आप भी देख लोगे कि ये बनता कैसे है। वैसे मैंने इसे कब भी नहीं बनाया, मतलब एक दो बार मैंने देखा हुआ है मम्मी को बनाते हुए, बट एक होता है ना कि खुद से बनाने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आज चलो ट्राई कर रही हूँ कि कैसा बनता है, और आप सबके साथ में भी आप भी साक्षी रहोगे अच्छा या बुरा का। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना, और इसे सबसे पहले क्या करते हैं ना कि पहले तो क्लीन करते हैं, आपने देखा है कि मैं कितने मेहनत करके इसे क्लीन कर रही हूँ। दूसरी बात, उसे गर्म पानी में इसे डाल करके उबाल लेते हैं। जैसे अभी मैंने ना कढ़ाई में गर्म पानी रखा हुआ है, तो अब इसे क्लीन करने के बाद गर्म पानी में डाल देंगे, ताकि जो भी बचा खुचा या फिर जो भी थोड़ा सा खेत में ये होता है ना, तो जो भी बैक्टीरिया या कीटाणु जो भी होते हैं, तो गर्म पानी में डालने से ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं गर्म पानी में डाल ले रही हूँ और अच्छे से धीरे 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 साफ़ कर रही हूँ। बहुत मेहनत लगता है यार, आप देख सकते हो, ये तो वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, इसे तो पूरे मुझे मतलब आधे घंटे लगे होंगे अच्छे से साफ़ करने। जब तक ये उबल रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ कि इसकी तैयारी कर लेती हूँ, और इसमें डलता है प्याज, इसमें प्याज बहुत सारा डालता है, ताकि ये इसका टेस्ट ना मटन के जैसे आता है। तो अभी प्रेगनेंसी पीरियड में ना मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना ही मैं मटन खाती हूँ, ना ही चिकन मछली एग, कुछ भी नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे देखते ही वॉमिटिंग आने लग जाती है। इस वजह से मुझे मशरूम भी नहीं खिलाता, और जो भी चीज़ें मटन मछली के जैसे लगता है ना वो मैं नहीं खा पाती, इसलिए मैं अपना खुद का तैयारी भी साथ ही में कर लेती हूँ। और प्याज तो बिल्कुल नहीं पचता मुझे, प्याज क्या करूँ, लेकिन इस खासकर अभी के टाइम में मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही ना सेपरेट, तो मुझे ही बनाना था,
तो मैं बना ज़रूर दूंगी लेकिन खाऊंगी नहीं। और प्याज और ये उबाल दिया है मैंने, मशरूम भी हो गया पूरी तरह से तैयार बनने के लिए रेडी। और इसमें हम डाल रहे हैं तेल, कढ़ाई में मसाला मैं ऑलरेडी पीस चुकी हूँ, और ये देखो कितना सारा मसाला मैंने पीसा हुआ है। किसी को बहुत पसंद है बस मसालेदार खाना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला हुआ है। तो पहले मैं प्याज भून के निकाल लूँगी और उसके बाद डालूँगी मशरूम, उसे भी भून के निकाल लूँगी क्योंकि प्याज भून के निकालना नहीं होता है, लेकिन मैं भूल गई थी प्याज बाद में डालना होता है, पहले मशरूम भून के निकाल लेते हैं उसके बाद तल के मतलब उसके बाद प्याज डालते हैं। बस क्या हुआ ना कि मिर्ची मार्च निकल गया बहुत, बोला तो मैंने कि मैंने देखा हुआ, मैं बनाई नहीं थी कभी भी, दो तीन बार बस देखी हुई है। मशरूम मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा सा अच्छे से भून ले और तब तक के लिए मैं डाल देती हूँ चावल भी, मसाले के साथ भी हो जाएगा क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा है ना, और वैसे लेट हो जाएगा अगर मैं लेट करूँगी तो। हो गया है मेरा चावल, मैं चढ़ा देती हूँ, चावल चढ़ाने के बाद और नेक्स्ट मैं इसे अच्छे से देख लेती हूँ कि भुना या नहीं। भुनने के बाद मैं मसाला डालूंगी और फटाफट हो जाएगा मेरा सब्जी तैयार मशरूम का। तो तल लिया है मैंने मशरूम और निकाल लेती हूँ मैं, और ये ना मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है बनाते हुए सब्जी, क्योंकि मैंने साथ में जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं तो इतना बोर लगता है यार खाना बनाने में अकेले बैठ, मतलब अकेले अपने किचन में खाना बनाते रहो एकदम से अजीब सा बोरिंग सा लगता है। तो आपसे बात करते हुए बना रही हूँ तो बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी ना कि हमेशा ब्लॉग्स डाला करूँ और मतलब अपनी लाइफ में जो भी मेरे साथ जो भी हो रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने डाल दिया मसाला और मैं इसे अच्छे से भूनूंगी, तब तक हम बातें कर लेते हैं कुछ कुछ। तो ये मेरा ना ब्लॉग बहुत पहले का है, मतलब मैं ना उस टाइम सेपरेट रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, फ़िलहाल तो मैं अपने मायके आ चुकी हूँ क्योंकि ऐसे तो रहती थी तो ठीक था, बट मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, खुद से अकेले से हो नहीं रहा था, और बहुत सी चीज़ें थी जो मतलब जाने के बाद अपने डॉक्टर के पास मैं जब जाती थी तो उन्हें मतलब वो मुझे बहुत सी चीज़ें बताती थी कि नहीं इस चीज़ की कमी है उस चीज़ की कमी है, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम में खुद से आप बनाओ तो खाना खिलाता नहीं है, इस वजह से कहीं मुझे कमी ना हो रहा हो। और घर में भी जब मैं बात करी कि मुझे कुछ ऐसे ऐसे डॉक्टर्स बोलते हैं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाऊँगी तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मसाला भुन चुका है मेरा एकदम मस्त वाला हो गया है, तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी तो इस वजह से मैं मारती हूँ मतलब आ गई। अच्छा लगा मसाला भुनने के बाद मैं डाल दे रही हूँ मशरूम और इसमें डाल दूँगी पानी अच्छे से खोल जाएगा तो मैं इसे बंद करके, और फिर जब खाना परोसूंगी ना तो उस टाइम भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करना है मुझे, मैंने अभी नया नया ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, और होप कि आपको अच्छी लगेगी इंटरेस्टिंग लगेगी मेरी वीडियो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले आपकी आपको अच्छी लग रही है, और ये सब्जी मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, मैंने अच्छा बनाया या नहीं। जहाँ तक तो मुझे हमको टेस्टी ही लग रहा है देखने में, बनने के बाद बताते हैं और जब अपने पति देव को हम देंगे खाने के लिए तो वो क्या इसके बारे में मतलब कैसा रिस्पॉन्स देते हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये बनके रेडी हो गई हमारी सब्जी, और ये अब मैं अपने लिए कुचा बनाने जा रही हूँ, मिर्चा का कुचा। इसमें लहसुन पड़ता है जो कि ये दोनों हम रेडी कर चुके हैं, और ये मेरे लिए स्पेशली उन्हें खाते, और ये इनको खाते हैं, टाइम भी हम दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। वैसे आप भी जरूर बताइएगा कि ये देखने में कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है या नहीं, कमेंट करिएगा प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट मेरी यूट्यूब फैमिली। और खाने टाइम भी हम दिखाएंगे और इनका रिएक्शन क्या होता है, ये अच्छा बोलते हैं ये खराब बोलते हैं, क्योंकि हम भी ये दो तीन बार ही बनाए अपनी मम्मी को देख कर, मम्मी की रेसिपी है तो सेम टू सेम तो नहीं बनेगा, बट हाँ मैंने कोशिश जरूर की है। तो ठीक है फिर इनको देते हैं खाना और देखते हैं ये क्या बोलते हैं। ये जो कुचा बनाए थे हम, ये कुचा है, ये थोड़ा सा जो दिख रहा ना वही है कुचा, बहुत टेस्टी है। अगर आपको जानना है कि ये कुचा कैसे बनाता है, सॉरी बनता है, तो आप
कमेंट डाउन कर सकते हैं और इसकी भी रेसिपी मैं बताऊंगी, बहुत चटक बहुत टेस्टी। और ये बहुत पहले का, ये बोल रहे थे कि हम बचपन में बहुत खाया करते थे लेकिन अब नहीं खाते क्योंकि तीखा इनको बहुत लगता है। जिम करने के बाद हमको देखे कुछ खिला रहे तो जिम करने के बाद नहीं खाया जाता है, तो इतनी सा दी है, इतनी सा, हम तो इतना इतना खाते हैं। तो आप टेस्ट करके जल्दी बताइए कैसा लग रहा है खाना। अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, खाना बताइए, पति देव का रिएक्शन जानना है। शुरू करिए खाना। एक नंबर, थोड़ा सा तीखा है, शानदार है, जबरदस्त। होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता चले कि मतलब मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा बन रहा है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।